Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. I am your GK teacher. Today we are going to start unit 3rd. So, our first topic is Factopedia. I am going to teach you part 1 of Factopedia. So, dear students, open your books at page number 32. Cheetah. आज मैं आपको चीताज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ ओके लेट्स स्टार्ट चीताज है पुअर नाइट विजन वाइल्ड लॉइंस एंड लेपर्ड्स यूजुअली टू दियर हंटिंग एट नाइट चीताज हंट जूरिंग द डे आप सबको पता ही होगा कि जो चीताज होते हैं वो क्या हैं वो कौन से एनिमल्स हैं वाइल्ड एनिमल्स हैं हाँ वाइल्ड एनिमल्स के वो कॉर्निवोर्स भी हैं यानी वो फ्लश खाते हैं दूसरे जानवरों को शिकार करके वो उनका फ्लश यानी मीट खाते हैं बोलते है जो चीतास होते हैं उनका जो नाइट विजन होता है पुअर होता है यानी उनको रात के अंधेरे में कम दिखाई देता है लेकिन जो लॉइंस एंड लेपर्ड्स होते हैं वो अक्सर शिकार रात को ही करते हैं लॉइंस एंड लेपर्स क्या करते हैं रात को ही अक्सर शिकार करते हैं जबकि चीताज़ दिन में ही शिकार करते हैं क्योंकि उनका जो नाइट विजन होता है वो पुअर होता है कंप्यूटर माउस अब हमें कंप्यूटर माउस के बारे में पढ़ना है आप सबको पता ही है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है है ना और उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उनमें से एक पार्ट माउस है आज हमें माउस के बारे में पढ़ना है माउस जो है वो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है तो आज मैं आपको माउस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं इट्स नेम इज़ माउस बिकॉज विद इट्स वायर इट लुक्स लाइक अ रियल माउस विद अ टेल इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मूव थिंग्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन आप में से कितनों ने रियल माउस देखा होगा ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पे रियल माउस जो कंप्यूटर माउस होता है ना वो एक रियल माउस की तरह दिखता है क्योंकि जो कंप्यूटर माउस की वायर होती है वो एक रियल माउस की टेल की जैसी होती है ठीक है इसीलिए इसका नाम माउस रखा गया है कंप्यूटर माउस का ये काम होता है कि वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे थिंग्स को मूव करने में हेल्प करता है ठीक है आई होप आप सबों ने अच्छे से समझा होगा ओके डियर स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे फिया फियामानील्ला